एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और हेयर मास्क लेकर के आई हूँ। ये जो हेयर मास्क है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि मैंने इसको खुद यूज़ किया है। जो भी इंग्रेडिएंट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ, जो भी रेमेडी आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ, पहले वो खुद यूज़ करती हूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। ये जो हेयर मास्क है ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि अगर आपके बालों की बिल्कुल भी लेंथ नहीं बढ़ रही है या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, शाइन नहीं है बालों में, कहीं से गंजापन नज़र आने लगा है, तो आप इस हेयर मास्क को ट्राई करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और एक और चीज़, मैंने इस हेयर मास्क में बहुत ज़्यादा इन्ग्रीडियंट यूज़ भी किए हैं, आपके घर में ही सारे इन्ग्रीडियंट आराम से मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट से शुरू कर। तो इस हेयर मास्क को बनाने के लिए हमारा मेन इंग्रेडिएंट है फ्लैक्स सीड, यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज में बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ ही विटामिन डी से भरपूर होता है। ये हमारे बालों के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, बालों की ड्राइनेस को दूर करता है, हमारे बालों की लेंथ को बढ़ाता है। अगर कुछ लोगों को बाल बढ़ाने हैं, आप लोग चाहते हो कि आपके बाल लंबे हो जाएं जल्दी से, तो आप इस हेयर मास्क को जरूर ट्राई करें। अगर कहीं से आपके बालों में गंजापन नजर आने लगा है तो ये आपके गंजेपन को बिल्कुल दूर कर देगा। अब इस हेयर मास्क के सिर्फ एक इंग्रेडिएंट में इतने सारे बेनिफिट्स है, तो आप सोचिए इसमें मैं और जो इंग्रेडिएंट यूज करने वाली हूँ वो सब मिला करके ये हेयर मास्क कितना ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए फटाफट से शुरू करें। हाँ जी, तो इस जेल को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पानी। तो मैं यहाँ कॉफी मग यूज कर रही हूँ, 2 कप भर के मैं पानी यूज करूंगी। आप अपनी बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये कॉफी मग है, इसको मैंने भर के 2 कप पानी ले लिया है। अब इस पानी को हमें करना है बॉईल। पानी हमारा बॉईल हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी अलसी है उसको इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको एक बार चला देंगे और इसको इसी तरह से बॉईल होने देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। ये वाली टेबल स्पून भर के मैंने 5 टेबल स्पून अलसी ली है। आप देख लीजिए स्पून का साइज क्या है, 5 टेबल स्पून मैंने अलसी ले ली है। दोस्तों, तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसका जो जेल है उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे एक स्ट्रेनर की मदद से। एक चीज का ध्यान रखिए, जब ये गर्म है तभी आपको इसको स्ट्रेन करना है, अदरवाइज ये ठंडा हो गया तो इसका जेल बहुत गाढ़ा हो जाएगा, फिर आपको इसको अलग करने में मुश्किल होगी। तो जब ये आपने बॉईल किया है, बॉईल करने के बाद तुरंत ही आप इसको अलग कर लीजिए, पर इसको अभी अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ हमें इसके जेल को अलग कर लेना है। हाँ जी दोस्तों, तो जेल हमारा बनके रेडी हो चुका है, अब ये ठंडा हो चुका है, अब हमें इसको अप्लाई करना है। और साथ ही इसमें और क्या ऐड करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा एलोवेरा जेल। ये फ्रेश एलोवेरा जेल है, जितनी क्वांटिटी में हमने अलसी का जेल लिया है उतनी ही क्वांटिटी में हमें एलोवेरा जेल भी लेना है, यानी कि अलसी का जो जेल है और एलोवेरा जेल है इन दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अब मैं इस अलसी के जेल को इसमें ऐड कर दूंगी। तो मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल। 1 टेबल स्पून हमें ऑलिव ऑयल चाहिए। और 1 टेबल स्पून ही हमें कैस्टर ऑयल चाहिए। इन सभी को मैं कर देती हूँ मिक्स। एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको फ्रेश एलोवेरा जेल ही लेना है, कोशिश करिएगा कि फ्रेश एलोवेरा जेल ही ले। अगर अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप मार्केट वाला यूज कर सकते हैं, उस कंडीशन में आप 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून मार्केट वाला एलोवेरा जेल ले लीजिए। अब लास्ट और फाइनल इंग्रेडिएंट हमें इसमें ऐड करना है 2 विटामिन ई के कैप्स। 2 विटामिन ई कैप्सूल इसमें ऐड कर देती हूँ। ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब इसको हम कर लेते हैं अप्लाई, पूरी तरह से मिक्स हो चुका है, इसको अप्लाई कर लेते। एक बार में बहुत ज़्यादा बाल नहीं लेने हैं, थोड़े थोड़े बालों को लेके हमें इसको अप्लाई करना है, रूट से लेके टिप तक, यानी कि हमें अपने बालों की स्कैल्प से लेके पूरे बालों के एंड तक हमें इसको अप्लाई करना है। एक बार में बहुत ज़्यादा बाल हमें नहीं लेने हैं, थोड़े थोड़े बालों को लेकर के हमें इसको अच्छी तरह से अप्लाई करना है। चलिए फिर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में कर दूँ। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने इसको पूरा कर लिया है अप्लाई। अब मैं इसको अपने बालों में कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक रखूंगी। जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मैंने अपने बालों की मसाज भी की थी। आपको भी 5 मिनट तक मसाज जरूर करनी है, उसके बाद 1 से 1.5 घंटे रखने के बाद आपको शैम्पू कर लेना है, जो भी आप शैम्पू यूज करते हो। उसके बाद कंडीशनर आपको जरूर यूज करना है, थोड़ा सा ये गिरता है तो आप कोई भी खराब टी शर्ट पहन सकते हो। आपको शैम्पू करने के बाद कंडीशनर जरूर अप्लाई करना है, उसके बाद सीरम अप्लाई करना है। तो मैं 1 से 1.5 घंटे इसको अपने बालों में रखूंगी, उसके बाद आप लोगों के सामने हाजिर होंगी फाइनल रिजल्ट के साथ। चलिए मिलते हैं फिर 1 से 1.5 घंटे के बाद। देखा दोस्तों, आप लोगों ने बाल कितने ज्यादा शाइन कर रहे हैं और पहले के अकॉर्डिंग स्ट्रेट भी लग रहे हैं। अगर आपने इस हेयर मास्क को सिर्फ हफ्ते में 2 बार भी ट्राई कर दिया तो आपकी हेयर रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, बालों की लेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी और बाल बहुत ही ज़्यादा शाइन करना शुरू हो जाएंगे। ये तो आप देख ही सकते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।